इधर से हम लोग जाए, और आप सोनो बाजार नहीं, हम लोग नाम रखेंगे बोरिंग रोड सोनो बाजार। पहले नाम सुने तो हम कहना चाहेंगे, देख लीजिए आप सामने देख रहे हैं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू जिला को सूचित करना चाहेंगे कि एक जगह बोरिंग नहीं है, पूरे बाजार में यही हाल है। आज बोलते हैं इज्जत बचाने की बात, माँ बहन आज बोलते हैं प्रधानमंत्री का योजना है कि हमारा जो है तो हमारा बाथरूम घर घर में दिया जा रहा है, लेकिन बाथरूम क्या दिया जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो बाथरूम क्या करेगा। आज सारी योजना ठप हो चुकी है, जब जल के बिना जीवन बेकार है, इसका प्रत्यक्ष अगर उदाहरण है तो सोनो है। और सारी जितना यहाँ का प्रशासन है, जिला का प्रशासन हो, राज्य का प्रशासन हो या प्रखंड का प्रशासन हो, सारा फेल है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जम्मू जिला के सोनो बाजार में पानी की काफी किल्लत है। यूं तो महज 500 मीटर की दूरी पर नदी बरनार बह रही है, लेकिन नदी में पानी बिल्कुल नहीं है। ग्रामीणों का, स्थानीय लोग कहना है कि अत्यधिक बालू उठाव के कारण नदियों के पानी का जलस्तर बिल्कुल नीचे चला गया है, और वहां के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। स्थानीय लोग मुख्य बाजार के रोड में ही बोरिंग करके पानी लेने का काम कर रहे हैं, और आवागमन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ये बहुत ही शोचनीय और निंदनीय बात है कि सोनो जैसे बाजार में पानी की किल्लत है, लोग परेशान परेशान हैं। सच ही कहा है किसी ने कि अगर भगवान राम इंसान को अगर लंका ले जाते तो शायद वहां भी लंका बेचे खाते। ऐसा ही काम लूटी पीड़ी जमुई की जनता के साथ में हो रहा है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट सोनो से। इधर से हम लोग जाए, और आप सोनो बाजार नहीं, हम लोग नाम रखेंगे बोरिंग रोड सोनो बाजार। पहले नाम सुने तो हम कहना चाहेंगे, देख लीजिए आप सामने देख रहे हैं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू जिला को सूचित करना चाहेंगे कि एक जगह बोरिंग नहीं है, पूरे बाजार में यही हाल है। आपके से हम लोग आ रहे हैं परेशानी लेकर कहते, अगर इसी वक्त में कोई महिला का प्रसव का है तो मर जाएगा, इसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। कौन लेगा जिम्मेदारी? नहीं, यहाँ का जनता लेगा, जो मरा है वो अपना बुझे। ये मट्टी कैसे जमा हो रही है? मट्टी बोरिंग किया गया है करीब 400 फीट, और बोरिंग कर मट्टी रखा हुआ है, न कोई इसको उठाने वाला है, बोरिंग करा करके छोड़ दिया। किनके द्वारा बोरिंग? ये प्रयाग बर्नवाल के द्वारा, यहाँ का निवासी जो प्रयाग बर्नवाल जी हैं, उनके माध्यम से यह बोरिंग हुआ है, और ये गलत हो रहा है। अब कैसे आवागमन, जितने भी मेन रोड है किधर से हम लोग पार होंगे? सर कहाँ घर हुआ आपका? हम लोगों का घर मैसरी हुआ है। तो सोनो से संपर्क कैसे लगता है? सोनो से मेन बाजार हम लोग का हर हमेशा सोनो बैंक का काम है, डॉक्टर का काम है, मार्केटिंग मतलब सोनो से ही आपका गांव मैसरी जाना, मैसरी मेन रोड यही है हम लोग का, मैसरी जाना मेन रोड पर ये हाल है। हाँ, और 18-10 पंचायत है सोनो की इलाका उस पार, जो सबको दिक्कत हो रहा है। हम यही कहना चाहेंगे, जैसे ये लोग बोलते हैं कि पानी के अभाव से हम सड़क पर बोरिंग कर रहे हैं, तो हम भी प्रश्न कर सकते हैं कि किसी को मकान नहीं है, जगह नहीं है, तो ये लोग एक कट्ठा जमीन दे देंगे सोनो में? ऐसा कोई प्रावधान है कि सड़क पर बोरिंग करने का? ऐसा नहीं प्रावधान है। ये आवागमन ठक पड़ गया, और अगर बोरिंग किया है तो इनको साफ करवाना, इनका उत्तरदायित्व है। यहाँ 800 फीट पर लेयर मिल रहा है, तो लोगों को घर में लेयर मिलता ही नहीं है, 800 फीट का बोरिंग कराने का कोई जगह ही नहीं है, तो सारे पब्लिक रोड पर करा रहे हैं। अगर किसी के घर में 800 फीट की बोरिंग होगी तो कोई गाड़ी पहले जाएगी नहीं, जाने का जगह ही नहीं है, बड़ी गाड़ी जाने का। यहाँ का सोनो का जो नदी है, नदी का सारा बालू उठाव हो जाने के कारण यहाँ का लेयर भाग गया है सोनो का जनता। मेरा नाम भोला मिश्रा सर। मिश्रा जी, क्या हो रहा है रोड के ऊपर? ये सर, हम लोग घर में जीने नहीं पा रहे हैं, और घर में हम लोग को पानी नहीं रहने के कारण हम लोग अव्यवस्थित हैं, जिसके कारण आज हम लोग बोरिंग कर रहे हैं, और यह पुनः बोरिंग होगा, क्योंकि हर मनुष्य जल बिना मर रहा है सर, इसलिए ये अभाव में, जल के अभाव में ये बोरिंग किया गया है, और बोरिंग लोग कर रहे हैं, यहाँ से लेके पूरे सोनो में बोरिंग हो रहा है जूर। यदि ये बोरिंग नहीं होगा तो लोग पानी बिना मर जाएंगे सर। जरूरत से ज्यादा बालू खनन के कारण तो पानी का लेयर नीचे नहीं चला, और जो बरनार नदी जो खनवा दिया गया, और बरनार नदी को जो हमारे नीतीश कुमार बेच लिए, जिसके कारण ये हमारे ग्रामीणों ने पानी नहीं पी पा रहा है, और हम लोग बहुत अभावग्रस्त है। आज कल परसों भी बोरिंग होगा सर, और हम लोग मर जाएंगे पानी के बिना। मतलब अत्यधिक बालू खनन के कारण पानी का लेयर नीचे चला गया जी सर, और लोग जो है
रोड पर ही बोरिंग करना चालू कर दिया। जी सर, यदि घर में तो आवागमन ठप हो जाएगा। नहीं सर, आवागमन ठप नहीं होगा, ये तुरंत हटा दिया जाएगा और लोग हटा देते हैं। अभी ट्रैक्टर नहीं मिलने के कारण कैसा लग रहा है आपको जाने में यहाँ पर? बोला ना जी सर, की दिक्कत हो रहा है, कैसे हो गया ये सर? पानी पीने नहीं मिलता है इसलिए पानी नहीं मिलेगा, कहाँ करेगा? मुख्य सड़क के ऊपर में बोरिंग करके हम लोग पानी ले रहे हैं, यही मेरे कारण। 800 पानी का अभाव है, ठीक है, ये बोरिंग करवाया ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं रहना चाहिए। इस तरह जो है आने जाने में कितना कष्ट हो रहा है सबको। ये सब कुछ ठीक है, बोरिंग भी किया ये भी अच्छा है, क्यों पानी के लिए दिक्कत है, लेकिन इस तरह नहीं रहना चाहिए। सुबह से अभी जो है सो शाम होने वाला क्या है, देखिए ये 2:30 बज गया है, ये इस टाइम जो है सो इतना किस लिए है? मतलब ये कूड़े का अंबार नहीं होना चाहिए, मट्टी का अंबार नहीं होना चाहिए। सब साफ किया जाएगा सब आने जाने में, सब मतलब 800 फीट डालने पर ही पानी नहीं निकला, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बालू उठा के कारण मेरा जो जमीन को गया है, गड्ढे में आज पानी की तरफ मर रहा है आदमी जनता लोग। उस तरह बड़ी रोड पर होगा और होते रहेगा, जिसको रोकना है रोकते रहे, सरकार पैसे नहीं रहेंगे जिसको यहाँ पर सोनो में मेन रोड मुख्य बाजार में बालू या मट्टी यहाँ पर गिरी हुई है और बहुत से लोगों ने बोरिंग की है, क्या करना चाहते हो इस बारे में? ये तो पब्लिक की परेशानी है, जो प्रशासन के द्वारा अनदेखा करने के कारण आज गरीब मर रहा है। आज चार कट्ठा जमीन बेच कर लोग यहाँ बोरिंग करा रहे हैं, कि बोरिंग का लेयर जो है 800 फीट नीचे तक चला गया है। घर किसी के रोड नहीं होता तो लोग कारण क्या है? इसका पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण जो है बालू का उत्खनन। आज हमारे एरिया में ऐसा था कि 40 फीट में लोग इतने पानी थे, जो सारे लोग पूरे अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, खेती हो रही थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है, ना खेती हो पा रहा है ना लोग पानी पी पा रहे हैं। आज माँ बहन बेटी सब रोड पर है, आज नदी जाके लोग नदी जाते तो नदी में पानी नहीं है। आज बोलते हैं इज्जत बचाने की बात, माँ बहन आज बोलते हैं प्रधानमंत्री का योजना है कि हमारा जो है तो हमारा बाथरूम घर घर में दिया जा रहा है, लेकिन बाथरूम क्या दिया जाएगा? पानी ही नहीं रहेगा तो बाथरूम क्या करेगा? आज सारी योजना ठप हो चुकी है। जब जल के बिना जीवन बेकार है, इसका प्रत्यक्ष अगर उदाहरण है तो सोनो है। और सारी जितना यहाँ का प्रशासन है, जिला का प्रशासन हो, राज्य का प्रशासन हो या प्रखंड का प्रशासन हो, सारा फेल है।